Hello dear, how are you? Fine. Okay, so my name is Parag Khandelwal and today I am here to discuss a very interesting topic of physics. Can anyone guess the name of the topic? Yes, units and dimensions. Units and dimensions. Dimensions. Units and dimensions. So, bachcho, in today's lecture, first of all, we discuss about physical quantities, types of physical quantities, their units, and in the next lecture of this chapter, we discuss about dimensions. Okay? Are you ready? Okay. So let's start with the definition of physical quantity. तो बच्चों, इस फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन जो है वो पूछना चाहता हूँ कि जब आपने इंग्लिश लैंग्वेज को सीखा होगा तब आपने सबसे पहले क्या सीखा होगा? आपने सीखे होंगे इंग्लिश के वो छोटे छोटे अल्फाबेट्स ए बी सी डी, है कि नहीं? सीखे होंगे ना? उसके बाद उन अल्फाबेट्स को जोड़ जोड़ के आपने सीखा होगा वर्ड्स को बनाना, ठीक है? और फिर उन वर्ड्स के जरिए आपने सीखा होगा सेंटेंस का फॉर्मेशन, ठीक है? और उन कई सारे सेंटेंस को जोड़ जोड़ के आपने सीखी होगी पूरी की पूरी इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है बच्चों? बच्चों, ठीक इसी तरीके से जो हमारी फिजिक्स है ना, वो नियम और कायदों पर चलती है, और उन नियम और कायदों को समझने के लिए हमें ज़रूरत होती है कुछ इक्वेशंस की, और वो इक्वेशंस बनी होती है कुछ छोटी छोटी टर्म्स की, और वो छोटी छोटी टर्म्स ही क्या कहलाती है बच्चों? वो छोटी छोटी टर्म्स ही कहलाती है फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है? तो ये फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स की वो इक्वेशंस बनाएगी जिन इक्वेशंस के जरिए हम फिजिक्स के, या कह लीजिए इस फिजिकल वर्ल्ड के लॉज को, नियमों को, कायदों को इजीली समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों? तो आइए हम डेफिनेशन लिख लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी, आप टॉपिक डाल लीजिए फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या होती है? पहले मैं ये आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो किन्हीं इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जा सके, और ये इस फिजिकल वर्ल्ड के लॉज को, नियमों को, कायदों को इजीली समझा सके। तो आप इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे दोस क्वांटिटीज विच कैन बी measured with the help of any instrument and it also
describe, या कह लीजिए इट ऑल्सो एक्सप्लेन द लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। तो ये होगी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन। अब फिजिकल क्वांटिटी का क्या होता है स्ट्रक्चर, कैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी बनी होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप नेक्स्ट पॉइंट लगा के लिख लीजिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये होगी इसकी डेफिनेशन। तो यहां आप लिखना स्ट्रक्चर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को मैं यहाँ पे शॉर्ट में PQ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। आप क्या है तो पूरा भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसका तो फिजिकल क्वांटिटी का स्ट्रक्चर क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली कॉम्बिनेशन होती है दो चीजों का। फर्स्ट जो चीज है वो है बच्चों इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। और न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ इंक्लूड होती है यूनिट, यानी फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली प्रोडक्ट होती है न्यूमेरिकल वैल्यू का और यूनिट का, ठीक है। तो आप लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू, एन से मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा, साथ में इसकी यूनिट इसको मैं यू से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये हो गई इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, और ये होगी इसकी यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब कोई भी नंबर, 100, 200, 500, कुछ भी कोई भी नंबर जो है न्यूमेरिकल वैल्यू में यहाँ पे आ सकता है। अब बात आती है हमारे पास यूनिट की, कि ये यूनिट क्या चीज़ है। तो बच्चों यूनिट कुछ भी नहीं है, यूनिट कंपैरिजन करने के लिए एक कंपैरिजन करने का एक तरीका है, एक वे है कंपैरिजन करने का, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, बड़ा ही लेमन टाइप का एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, कि अगर एक हाथी का वजन अगर 200 बकरियों के बराबर है, तो हम उसको यहाँ देखिएगा बोर्ड पे कि वेट ऑफ एलिफेंट इक्वल्स टू 200 इनटू वेट ऑफ गोट। तो यहाँ पर वेट ऑफ एलिफेंट कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, 200 कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, और वेट ऑफ गोट जिससे हमने एलिफेंट के वेट को कंपेयर करा है, वो होगी हमारे पास यहाँ पे इसकी यूनिट। तो ये आपको जो है वो समझ में आया होगा कि फिजिकल क्वांटिटी का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। मैं आपको समझा रहा था कि यूनिट जो है वो जो है वो क्या होती है। तो यूनिट्स की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि यूनिट्स आर द पैरामीटर्स। यूनिट्स जो है वो बेसिकली पैरामीटर है यूनिट्स आर द पैरामीटर्स विच इज यूज्ड टू मेजर विच इज यूज्ड टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो यूनिट क्या है, यूनिट्स आर द पैरामीटर विच इज यूज्ड टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी।
एंड आल्सो ये भी लिख लीजिएगा एंड ऑल्सो यूज टू कंपेयर टू और मोर देन टू फिजिकल क्वांटिटी। तो यूनिट की भी हमारे पास एक डेफिनेशन हो जाती है कि यूनिट्स आर द पैरामीटर्स विच इज यूज टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी एंड ऑल्सो यूज टू कंपेयर टू और मोर देन टू फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको बताई फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन, फिर फिजिकल क्वांटिटी का स्ट्रक्चर, साथ में मैंने आपको यहाँ पर बताई यूनिट की डेफिनेशन। तो बच्चों अब हम आगे देखते हैं कि मेजरमेंट के क्या तरीके होते हैं, मतलब हम आगे पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट या आप कह लीजिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो आप टॉपिक डालिएगा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स थोड़ा जगह कम बचा है, पूरे को आपने उतार लिया होगा, इसको यही जो है मैं लिखूंगा। बच्चों सिस्टम ऑफ यूनिट्स की अगर हम बात करें तो आजकल जो हम सिस्टम की या कह लें कि जो सिस्टम आज हम यूज करते हैं वो दरअसल होता है हमारे पास एसआई सिस्टम, लेकिन उसके पहले भी कई सारे सिस्टम चलते थे जिनका पहले के ज़माने में यूज हुआ करता था। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपने टॉपिक डाला होगा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो तीसरा टाइप था उसी को एक्सटेंड और मॉडिफाइड करके आज का जो प्रेजेंट में जो सिस्टम चल रहा है वो बनाया गया था। ठीक है, तो आप लिखिएगा सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर पहला जो हमारे पास सिस्टम आता है वो आता है CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है FPS सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अगला आता है हमारे पास MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, हम बात करते हैं सबसे पहले CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स की कि CGS सिस्टम में क्या था। C मतलब सेंटी मीटर, और सेंटीमीटर आप जानते होंगे यूनिट है किसकी, लेंथ की। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सेंटीमीटर, और यहाँ है जी। जी मतलब जो है वो है ग्राम, और ग्राम किसकी यूनिट है बच्चों, ग्राम यूनिट है मास की। ये हो गया हमारे पास ग्राम, और ये हो गया हमारे पास इससे सेकेंड। सेकेंड को आप भली वाली जानते होंगे कि सेकेंड यूनिट है हमारे पास टाइम की। ये हो गया हमारे पास सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास FPS सिस्टम आता है। FPS में F मतलब हो गया हमारे पास फुट, या फिट कह लीजिए, फिट। फिट ठीक है, पी मतलब हो गया पाउंड,
ऑन, एस मतलब इसी के जैसा सेकेंड, सेकेंड ठीक है। यहां पर फिट जो है वो यूनिट होती है लेंथ की, आपने सुना होगा एक फीट दो फीट इतना इतना फीट वायर लाओ, इतना फीट जो है रस्सी लेकर आओ, ठीक है। पौंड जो है वो हमारे पास जो है मास की यूनिट है, है ना। बेकरी की दुकान पर जब आप जाते होंगे तो आपने कहा होगा कि एक पौंड का केक देना भैया, या दो पौंड का जो है वो केक देना, ठीक है। एस इसको आप भलीभांति जानते ही है कि जो है हमारे पास टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। अब बात आती है हमारे पास एम के एस सिस्टम की। एम के एस सिस्टम में एम जो है वो है हमारे पास यहाँ पर मीटर, के जो है वो हमारे पास के जी, और एस है हमारे पास यहाँ पर वही हमारा सेकेंड, ठीक है। मीटर जो है वो हमारे पास लेंथ की यूनिट, किलोग्राम जो है वो हमारे पास मास का यूनिट, और सेकेंड जो है वो हमारे पास टाइम का यूनिट। बच्चों सीजीएस सिस्टम जो है वो सीजीएस सिस्टम बनाया गया था जो है फ्रेंच लोगों के द्वारा, इसलिए इसको फ्रेंच सिस्टम भी जो है हम इसको कहते हैं। एफपीएस सिस्टम बनाया गया था ब्रिटेन के लोगों के द्वारा, इसलिए हम इसको जो है ब्रिटिश सिस्टम भी जो है हम इसको कहते हैं, ठीक है। और यहाँ अगर हम बात करें एमकेएस सिस्टम की, तो एमकेएस सिस्टम बनाया गया था व्यापारियों के द्वारा, ठीक है। व्यापारी सिस्टम का सबसे ज्यादा यूज जो है इस सिस्टम का ट्रेडर्स करते थे, ट्रेडर्स व्यापारी, ट्रेड करने वाले लोग, ठीक है। और बच्चों इसी सिस्टम को मॉडिफाई करके बनाया गया हमारा एसआई सिस्टम। आप पूछोगे सर एसआई सिस्टम इसमें एसआई क्या है, तो एसआई मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसको जनरली ऐसे ही लिखा जाता है, आईएस नहीं लिखा जाता, एसआई उल्टा लिखा जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो आप एसआई सिस्टम के अंदर पॉइंट डाल के नोट करिएगा, ये सिस्टम डेवलप इन 1960 में सिस्टम को डेवलप किया गया रहा था, डेवलप जो है वो किया गया था। अब आप देख लीजिए कितनी पहले से जो है वो हम इसी सिस्टम को यूज करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट डाल के आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये सिस्टम जो डेवलप किया था वो किया था इंटरनेशनल कमेटी ऑफ वेट एंड मेजर्स के द्वारा, है ना, जिसका जो हेडक्वार्टर है हमारे जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल कमेटी ऑफ वेट एंड मेजर, है ना, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ वेट एंड मेजर्स, और इसका जो हेडक्वार्टर वो पड़ता है, हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड के। नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि जो हमारे पास एसआई सिस्टम है इसमें सात जो है वो फंडामेंटल यूनिट्स जो है वो रखी गई है, सात फंडामेंटल यूनिट्स जो है वो इसके अंदर रखी गई है, और साथ में दो जो है वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स इसके अंदर रखी गई है, उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पर पॉइंट डाल के बस इतना लिखिएगा, सेवन फंडामेंटल यूनिट्स एंड टू सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारे पास पूरा का पूरा सिस्टम ऑफ यूनिट्स।
अब इसके बाद हम चलेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो अब मैं इसको रब करने जा रहा हूँ, आपने ये उतार लिया होगा, ठीक है। बच्चों, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो भी हमारे पास थ्री टाइप्स की होती है। पहली होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरी होती है हमारे पास जो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और लास्ट वन हमारे पास होती है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो आप टॉपिक डाल लीजिए टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यहां पर पहली आप लिखेंगे फंडामेंटल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में अगर मैं बात करूं तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड्स अपॉन अनदर फिजिकल क्वांटिटीज। ये वैसी क्वांटिटी होती है जो किसी दूसरी क्वांटिटी पे कतई डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है वो बेसिकली हमारे पास सेवन टाइप्स की होती है। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन आप यहाँ पे पहले इसकी डेफिनेशन जो है वो लिख लीजिए। दोस क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इसकी डेफिनेशन। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है वो बच्चों सेवन टाइप्स की होती है। जिस तरीके से एसआई सिस्टम में हमने इसकी यूनिट के बारे में पढ़ा कि फंडामेंटल यूनिट जो है वो सेवन टाइप्स की होती है, उन्हीं यूनिट से जो क्वांटिटीज रिलेट जो रिलेशन रखती है वो भी हमारे पास जो है वो सेवन टाइप्स की ही होगी, है ना। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में जो पहली फिजिकल क्वांटिटी आती है वो होती है हमारे पास लेंथ। ठीक है, तो एक एक करके जो है वो हम लेंथ के बारे में, इससे अगली जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करिए। ठीक है, तो आप लिखना शुरू कर लो। यहाँ पर हम लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल वाली, यहाँ पर लिखेंगे हम उनकी यूनिट के बारे में, और यहाँ पर लिखेंगे हम उनका सिंबल। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाती है लेंथ। लेंथ को आप जानते हैं, लेंथ की जो है वो यूनिट क्या होगी हमारे पास और सिंबल क्या होगा ये भी आप भली भांति जानते होंगे, छोटी क्लासेस में आप पढ़ के आए होंगे कि ये होगी हमारे पास लेंथ। लेंथ की यूनिट हमारे पास मीटर, और मीटर का सिंबल छोटा सा स्मॉल, छोटा वाला स्मॉल है, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाती है मास। ठीक है, और मास की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है बच्चों किलोग्राम, जिसको कि हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास मास, किलोग्राम जो है वो उसकी यूनिट, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे केजी से। ठीक है, और इससे अगली जो हमारे पास फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आती है वो होगी हमारे पास यहाँ पे टाइम। ठीक है, और टाइम से तो आप भली भांति परिचित होंगी। नेक्स्ट आ गई हमारे पास यहाँ पे टाइम,
टाइम, टाइम की यूनिट जो है सेकेंड, इसको कि हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इससे नेक्स्ट वाली जो हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आती है वो होगी हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर, तापमान, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर। टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है, आप बोलोगे कि सर डिग्री है, लेकिन डिग्री जो है वो इसकी एसआई यूनिट नहीं होती, इसकी एसआई यूनिट होती है केल्विन। क्या बोला मैंने? केल्विन। केल्विन, जिसको कि हम कैपिटल के से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। डिग्री कह लो, डिग्री जो है वो इसकी एसआई यूनिट नहीं है। आप ध्यान रखना कि कई बार कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है कि टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है, वहाँ पर डिग्री भी एक ऑप्शन होता है, लेकिन डिग्री अगर आपने लगाया तो वो गलत हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा केल्विन, ठीक है। अगली जो है वो हमारे पास आ जाती है करंट, कह लीजिए इलेक्ट्रिक करंट कह लीजिए, करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। एम्पियर के बारे में मैं आपको बता दूं कि साइंटिस्ट थे जिनका सरनेम था एम्पियर, उन्हीं के नाम पर जो है वो करंट की एसआई यूनिट का नाम रखा गया है एम्पियर, एम्पियर। और एम्पियर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, ठीक है। इससे अगली जो है हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आ जाती है, वो आती है हमारे पास बच्चों ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को जो हम मेजर करते हैं वो करते हैं हम कैंडला के अंदर, ठीक है। कैंडला, सी ए एन डी ई एल ए, कैंडला। इसका जो सिंबल है, कैंडला यूनिट का जो सिंबल है वो होता है स्मॉल डी और स्मॉल सी और स्मॉल डी, ठीक है। स्मॉल सी और स्मॉल डी, ये हो गया हमारे पास यहाँ पे कैंडला, ठीक है। और लास्ट जो है हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आती है वो होती है बच्चों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या होती है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को जो मेजर करने की यूनिट है, जो एसआई यूनिट है इसकी, वो होती है मोल, ठीक है। केमिस्ट्री में आपने बहुत बार सुना होगा मोल, ठीक है। ये होगी हमारे पास इसकी एसआई यूनिट मोल, ठीक है। और मोल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसमें से हम एक ई को जो है वो बाहर निकाल देते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल एम ओ और एल में, ठीक है। तो यहाँ जो है वो हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है वो हो जाती है यूनिट। हमने यहाँ पर बेसिकली ऐसा यूनिट की ही बात करी है और आगे भी हम जो है वो ऐसा यूनिट के बारे में ही यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। सिंबल जो है वो आप इनके देख सकते हैं, आप जो है वो इनको उतार सकते हैं। ये हमारी हो जाती है सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो होती है हमारे पास डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्योंकि डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए डेराइव को पढ़ने के पहले मैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है।
supplementary physical quantities. आप टॉपिक डाल लेंगे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली हमारे पास टू टाइप्स की होती है। पहली होती है बच्चों यहाँ पे हमारे पास प्लेन एंगल। प्लेन एंगल जो है वो क्या होता है कि आप जो है एक सर्किल जो है वो ले सकते हैं, सर्किल का जो है वो आप आर्क एक कट कर लें और उन आर्क के जो दोनों कोने हैं उन दोनों कोने से आप उस सर्किल के सेंटर को मिला देंगे तो जो एंगल्स उस सेंटर पर बनेगा वो हमारे पास होता है बच्चों प्लेन एंगल। तो आप इसकी डेफिनेशन जो है वो लिख सकते हैं, वाइवा के दौरान कभी कभी एक नंबर में पूछ ली जाती है कि प्लेन एंगल क्या होता है। द एंगल विच इज सबस्टेंड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। आप लिखेंगे कि द एंगल विच इज सबस्टेंड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल बाय द आर्क, ये हो गया सर्किल, ये हमने इसकी एक आर्क जो है वो कट कर ली, ठीक है। यहाँ से जो है वो हमारे पास ये एंगल, इसको हम थीटा नाम दे देते हैं, हमारा सेंटर हो गया। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो लिख सकते हैं कि द एंगल विच इज सबस्टेंड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल बाय द आर्क, बाय द आर्क विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ दैट सर्किल, ये होगी हमारे पास रेडियस। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर, ठीक है। यहाँ पर एल जो है वो आर्क की लेंथ है, आर जो है वो रेडियस है, क्योंकि दोनों जो है वो यहाँ पर लेंथ है, इसलिए अगर इसको और इसको हम मेज़र करेंगे तो वो सेम यूनिट के अंदर करेंगे और वो यूनिट जो है वो कैंसिल हो जाएगी, है ना। इसलिए आप कहेंगे कि सर ये थीटा तो जो है वो यूनिटलेस जो है वो हमारे पास हो जाता है। और वहीं मैं आपसे पूछूं कि आप एंगल की जो है एंगल की यूनिट जो है वो बताइए क्या होती है, तो आप कहेंगे कि सर एंगल की यूनिट होती है डिग्री। बच्चों डिग्री जो है वो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, थीटा की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है हमारे पास रेडियन, ठीक है। इसकी यूनिट जो है वो हमारे पास होगी रेडियन, और रेडियन को रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल आर ए डी से, ठीक है। ये हो गया हमारे पास प्लेन एंगल के बारे में। डेफिनेशन मैंने आपको बताई दी है इसकी कि द एंगल सबस्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल बाय द आर्क विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी आती है, वो होती है सॉलिड एंगल, ठीक है। आप डालेंगे सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है बेसिकली, कि आप मेले में कभी गए हो तो आपने सॉफ्टी जो है वहां पर खाई होगी, और सॉफ्टी जो है उसका शेप रहता है ऊपर से जो है वो क्रीम उसके अंदर भरी हुई होती है और नीचे से उसका शेप होता है बिल्कुल तिकोना, ठीक है। तो जो ऊपर से और जो स्लेंट लाइन जो नीचे आके लाइंस जो मिलती है वहाँ पर जो एंगल बनता है वो एंगल होता है हमारे पास सॉलिड एंगल, ठीक है। ये जो है वो सॉफ्टी, ये इसके ऊपर मान लीजिए आप क्रीम जो है वो भरी हुई है, तो ये जो एंगल यहाँ पर बना फाई जो है हम इसको कह लेते हैं, फाई कहना ठीक नहीं रहेगा, इसको हम कह लेते हैं ओम, ठीक है। और ओम की अगर अपन यहाँ बात करें तो ओम जो है वो अपने पास यहाँ पर होता है
ए अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है, ए अपॉन आर का स्क्वायर। आर जो है वो इसकी ये रेडियस आप मान लो, ये जो है वो इसका एरिया जो है वो आप ऊपर कह सकते हैं, यानी आप इसको एक ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं कि ये बहुत बड़ा स्फीयर 3D में जो है वो आप एज्यूम करें, और उस बहुत बड़े स्फीयर के अंदर ऊपर का आप एक पार्ट काट लें, और जो पार्ट आपने काटा है उनमें से सारी स्लेंट लाइन जो स्फीयर के सेंटर पर आकर मिलेगी वहीं पे जो है ये सॉलिड एंगल फॉर्म होता है, ठीक है। तो आप इसकी डेफिनेशन जो है वो लिख सकते हैं कि द एंगल विच इज सबस्टेन एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर विच इज इक्वल टू द, आप इसकी डेफिनेशन जो है वो कुछ तरीके से लिख सकते हैं कि द एंगल विच इज सबस्टेंड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर बाय द आर्क विच इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। इसकी जो है वो बच्चों यूनिट हमारे पास यहाँ पे होगी वो होगी टी रेडियन, टी रेडियन। टी रेडियन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो होता है स्मॉल एस और स्मॉल डी, ठीक है। यहाँ तक जो है वो हमारे पास सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी भी हमारे पास हो जाती है, प्लेन एंगल यहाँ हो जाता है, सॉलिड एंगल यहाँ हो जाता है, इसका हमने फॉर्मूला जो है वो देख लिया, यूनिट जो है हमने इसकी देख ली, डेफिनेशन जो है वो आपने इसकी नोट कर ही ली होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर पढ़ेंगे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। आप बताइएगा कमेंट करके कि ये लेक्चर जो है वो आपको कैसा लगा। यदि आपका सब कुछ समझ में आया हो तो आप सबको बताना, सबको पढ़ाना, ठीक है। और यदि कुछ इसमें से समझ में ना आया हो तो आप मुझे बताना, मैं जो है फिर से आपको समझाऊंगा, 100 बार समझाऊंगा, 200 बार जो है मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।